यह है आपके सामने एक स्टोन कलर जिसको हम सिंगरफ के नाम से जानते हैं। इससे आपका डीप और ब्राइट रेड कलर बनाया जाता है। ग्रेनुकोचिनिया, ग्रेनुकोचिनिया एक कीड़ा है जो पूरे विश्व में पाया जाता है और भारत में यह मिलता है हमें नागफनी की झाड़ियों के ऊपर। जो नागफनी की झाड़ी होती है इसके लाल रंग के फूलों के आसपास ये कीड़ा होता है और इस कीड़े को हम सुखाते हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फिर जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं इसमें से एक खास कलर का क्रिम्सन कलर निकलता है जिसमें से आपको वायलेट और पर्पल की भी झलक मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि ये कलर टुवर्ड पिंक में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए हमें सी स्टोन इसमें डालने होते हैं और ये ऑटोमेटिकली उस कलर के अंदर अपने आप बन जाता है। यह है आपके सामने फिरोजा, इससे सिरिलियन ब्लू कलर ड्राइव किया जाता है। इसी तरह आपके सामने यह है नील जिसको हम इंडिगो के नाम से जानते हैं और इससे इंडिगो नामक कलर बनाया जाता है। यह भी एक स्टोन है जिससे हम येलो ओकर कलर बनाते हैं। यह है कथा जो आपको आमतौर पर पान की दुकान पे मिल जाता है और इससे हम बनाते हैं ब्राउन कलर। यह है आपके सामने उसरेखन जिससे हम बनाते हैं डीप ऑरेंज। यह मैं आपको दिखा रहा हूं सिंदूर, सिंदूर से ऑरेंज कलर बनता है और सिंदूर एक पेड़ के फल पे लगता है और उस पेड़ को भी बोलते हैं सिंदूर का पेड़। यह है यू खराब नामक पत्थर जिससे ब्रंट अंबर कलर बनाया जाता है। यह है काथू पत्थर जिससे लाइट स्लेटी रंग बनता है। यह भी आपके सामने काथू पत्थर है जिससे डार्क स्लेटी बनता है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात और आती है, इस डार्क स्लेटी के अंदर आपको हल्की सी ग्लिटरी इफेक्ट मिलता है। इस डिब्बी के अंदर है कथीर जिससे हमें मिलता है सिल्वर कलर। यह है आपके सामने कॉपर क्रिस्टल जिससे हम कॉपर कलर मेटालिक बनाते हैं। ये कैडमियम येलो पिगमेंट को पीस कर बनाया गया कलर है। ये आपके सामने टिटेनियम वाइट है जो टिटेनियम वाइट पिगमेंट को ग्राइंड करके बनाया गया है। इसी प्रकार आपके सामने है ये मार्स ब्लैक जो बनाया गया है पिगमेंट को ग्राइंड करके। अब मैं आपको कुछ और रंगों के नाम बताता हूं, खड़िया, चौक मिट्टी, पेवड़ी, पीताम्बरी, हम सैफ्रन फ्लावर और हार सिंगार के फूलों से भी रंग निकालते हैं तथा लाजवर्त से भी हम गहरा लाल रंग लेते हैं। इसी प्रकार गेरू और अन्य कलर भी हमारे पास आते हैं जिनको हम अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जिन पिगमेंट्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया है वो सभी मेरे इस्तेमाल किए हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो बहुत ब्राइट है और साथ के साथ वो लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पेंटिंग्स के अंदर रिजल्ट अनयूजुअल आए और इफेक्ट कुछ खास हो तो उसके लिए हमें ग्रेट मास्टर्स की कलर पैलेट की स्टडी करनी चाहिए। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेट मास्टर्स ने भी इन्हीं पिगमेंट्स से कलर बनाए हैं। कलर्स में अनंत संभावनाएं हैं जिनका जिक्र हम आने वाली और वीडियोज में आपके साथ करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।